नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुदेव पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगर आपने अप्लाई किया था 2022 से 23 सेशन के लिए और अगर आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पर डिफेक्टिव कर दिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसको कैसे जो है सुधारना है अपने मोबाइल से या फिर PC ब्राउजर से, तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्टेड होगा या फिर डिफेक्टिव होगा तो आपको जो है मैसेज के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा और ईमेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन डिफेक्टिव हो गया है या फिर रिजेक्टेड हो गया है, तो उसको जो है करेक्ट कर लें, ठीक है। तो वैसा जब आएगा तो आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे 2022-23 वाले पर, और यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन होगा उसी पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर SC ST का है सिर्फ, तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ। उसके बाद BC EBC का भी आएगा, तो इसी प्रकार से होगा। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपना यूजर ID और पासवर्ड डालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर भी फिर से क्लिक करना होगा, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यूजर ID और पासवर्ड डाल लेंगे। यहाँ पर यूजर ID, पासवर्ड और यहाँ पर जो कैप्चा है वो डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन यहाँ पर कर देना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपका जो है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे होंगे लॉगिन हो जाएगा, अगर सही यूजर ID और पासवर्ड डालते हैं तो। उसके बाद कुछ भी सुधार करने के लिए आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस वाला है और ये जो है वेरिफिकेशन डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टेटस वाले में ही आना होगा। यहाँ पर दूसरे वाला जो है इसमें आना होगा और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट हुआ रहेगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन इज नॉट फाइनलाइज्ड, प्लीज़ फाइनलाइज योर एप्लीकेशन विद इन 2 डेज, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर 2 दिन का मोहलत यहाँ पर दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 2 दिन के बाद भी करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करना है कि जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका डिटेल्स जो भी होगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी भरे होंगे यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद सिंपली आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस में आ करके देख लेना है कि क्या जो है यहाँ पर गलती किया गया है, तो यहीं पर आप क्लिक करके और यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो है क्या चीज़ रिजेक्ट किया है, तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे किस लेवल पर जो है आपका यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो है इंस्टीट्यूट लेवल पर ही क्या कर दिया गया है, डिफेक्टिव कर दिया गया है और इनकरेक्ट फी बता दिया गया है और करेक्ट नाउ कर दिया गया, यानी ये जो फी डाले थे ये गलत डाल दिए थे, ठीक है। तो चलिए इसको सुधारने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको बैक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपका अगर डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले पर ही क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इनका जो है फी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स में जाना होगा और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि, तो यहाँ पर जो भी आपका गलती है ये सुधारने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका जो भी कॉलेज के हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से डालिए और नहीं तो आपका जो लगा है फी रिसिप्ट पर जो लिखा है वो डालिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर 0 लगता है और कॉलेज का कंपलसरी फ़ी लेकिन 1500 है, चूँकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो ये अपना पैसा तो लेगा ही, ठीक है। तो इनका जो है 1500 मेन है, तो ये आप डाल सकते हैं या फिर फी रिसिप्ट पर जितना लिखा होगा आपका वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि नया ये जो है लिख दिया है कि फ़ी पेड बाय स्टूडेंट, और ये कौन कौन फ़ी है तो आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी प्लस नो रिफंडेबल फ़ी, यानी कि ट्यूशन फ़ी आपका भी अगर लगता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ट्यूशन फ़ी कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर फ़ी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉलेज में अगर लिया जाता है तभी आप डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है फ़ी जो है यहाँ पर सुधार लेते हैं। यहाँ पर उनका 800 रुपया यहाँ पर लगा था लेकिन वहाँ 1500 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपके फ़ी रिसिप्ट पर लिखा है ना उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इनका जो है 800 रुपया उस पर लिखा था तो हम यहाँ पर 800 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद फिर है फ़ी फिक्स्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली, नोट द फिक्स्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूट बाई द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट से आपको कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट वाला जो ऊपर दिख रहा था जितना लिखा होगा आपके में उतना ही यहाँ पर लिख देना है। तो इनका जो है स्टेट गवर्नमेंट वाला में 0 था तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेस हॉस्टल और आप देख सकते हैं इत्यादि का चार्ज जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स सही है तो उनको एज इट इज रहने देना हो। उसके बाद ये तीनों जो दिख रहा है आपको क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर टिक जो है आपको बिल्कुल कर देना है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि तीनों पर जो है यहाँ पर टिक करने के बाद उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है अपडेट करने का ऑप्शन है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप यहाँ पर से सुधार सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर सिंपली जो है अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपडेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लेगा, लेकिन आप देखेंगे तो ये जो है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर जो है बता दिया। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद होम पेज पर जब आएंगे तो फिर से आपको यहीं पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अब फाइनलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो फाइनलाइज का ऑप्शन है आप देख सकते हैं नोट फाइनलाइज है, तो चलिए हम यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें सभी को अंडरटेक करना है, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ईमेल पर भी क्लिक करना होगा। तो चलिए हम दोनों पर क्लिक कर लेते हैं बारी बारी से। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों पर यहाँ पर ईमेल भेज दिया है, मोबाइल पर और ईमेल पर। उसके बाद यहाँ पर हम ओटीपी डाल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने मोबाइल का भी ओटीपी और ईमेल का भी ओटीपी डाल लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे जो है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्या लिख दिया है, योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज्ड। आप देख सकते हैं यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स, यानी कि आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो गया है, अब आप जो है कोई भी डिटेल्स अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रिजेक्ट होगा तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम बैक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पर होम पेज पर आ गए हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे स्टेटस में क्या है। तो फाइनलाइज्ड जो स्टेटस है यहाँ पर डन हो चुका है। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फिर से जो है पेंडिंग हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर आप सुधार कर देते हैं ना तो उसके बाद जो है फिर से वहाँ से पेंडिंग हो गया, फिर से जो है वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जो है वेट करना है, बिल्कुल वो जो है वेरीफाई हो जाएगा अगर आपने सही डिटेल्स डाले होंगे। तो गलत डाले होंगे तो फिर से रिजेक्ट होगा, फिर से आपको जो है सुधार करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे कि रिजेक्ट होने के बाद कैसे जो है अपने फॉर्म को सुधारना है अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।